पे जितनी स्पीड से आपने ब्रेक मारी है उससे ज्यादा रिस्पांस ब्रेक्स करें, तो बताते हैं आपको कि कौन सी गाड़ियां हैं जिनकी ब्रेक ठीक ठीक है और किन की टॉप नॉच है। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे। मैं हूं नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतनी सारी जो गाड़ियां आती हैं मार्केट में, भाई साहब हमने बात कर ली कि सस्पेंशन किसके अच्छे हैं, ये किसका अच्छा है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेक्स किसकी सबसे ज्यादा अच्छी हैं। भैया सबसे जरूरी चीज है गाड़ी के अंदर ब्रेक अच्छी होनी। जितनी मर्जी रॉकेट स्टाइल की गाड़ी ले लेना कि रॉकेट फ्यूल डला हुआ है, रॉकेट की तरह उड़ाता हूँ मैं गाड़ी, भैया रुकनी भी चाहिए गाड़ी, कंट्रोल भी आनी चाहिए गाड़ी। लोग गाड़ियों का 0 to 100 तो देखते हैं लेकिन 100 to 0 नहीं देखते। बिल्कुल, कंट्रोल कितनी जल्दी होती है। भाई ने बोल दिया लाख की नहीं आज करोड़ की बात बोल दी है। 0 to 100 देखते हैं लेकिन 100 to 0 वो कितनी देर में होती है गाड़ी, ये है सबसे मेन चीज जो है। कितनी स्टेबिलिटी के साथ होती गाड़ी है, रुकती है करके झूलनी नहीं चाहिए भैया। ऐसा नहीं कि गाड़ी रुक जाए लेकिन यहाँ से यहाँ पे आके रुके, सीधी रुकनी चाहिए, सटीक रुकनी चाहिए। 1 2 3 अरे आज के वीडियो में दोस्तों आपको हम बताएंगे कि कौन सी गाड़ी है जो भैया ब्रेक लगाते ही जाम हो जाती है। इन गाड़ियों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मित्रों, गाड़ी तो हम ले लेते हैं लेकिन हम ना ये चीज चेक नहीं कर पाते हैं क्योंकि इमरजेंसी टेस्टिंग नहीं हम कर पाते हैं टेस्ट ड्राइव के टाइम जो है। और आपके जो ये भाई लोग बैठे हैं ना, भैया हम तो डड्डू बना देते हैं, पूरा भूत बना के ना पूरा निचोड़ के गाड़ी को 10 बारी इमरजेंसी ब्रेकें मार के हम टेस्ट करते हैं कि गाड़ी की क्या रिपोर्ट है। और रिपोर्ट कार्ड अगर हमने गाड़ी अप्रूव कर दी दोस्तों तो आप ना बिल्कुल निश्चिंत होकर ले सकते हो क्योंकि हमारे टेस्ट में आसानी से गाड़ी पास नहीं होती है। इमरजेंसी ब्रेक के साथ साथ नॉर्मली भी जब आप ब्रेक लगाओ कौन सी गाड़ी कितना कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रही है वो भी देखना है। इमरजेंसी ब्रेक नहीं, हमें झटका नहीं लगना चाहिए गाड़ी के अंदर, पता ही न लगे भैया, क्योंकि इमरजेंसी ब्रेक 1000 to 2000 बारी में से एक बार लगनी होती है लेकिन नॉर्मली ब्रेक हर बार लगती है, तो हमें वो देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बता दें कि 90% गाड़ियों के अंदर फ्रंट डिस्क ब्रेक आती है और बैक साइड जो है ड्रम ब्रेक्स आती है। ब्रेक्स होती हैं लेकिन वो ड्रम ब्रेक्स होती हैं। डिस्क थोड़ी जल्दी लगती है, क्विक लगती है, ड्रम भी सपोर्टिव रहती है, अच्छी खासी काम करती है। लेकिन भैया कई ऐसी गाड़ियां हैं जो बेस मॉडल से ही 4 डिस्क प्रोवाइड करने लग गई है। जैसे हम बात करें MG एस्टर हुंडई क्रेटा की, क्रेटा में अब आई है लेकिन एस्टर जब से आ रही है तब से उसमें बेस मॉडल से 4 डिस्क ब्रेक है। लेकिन भैया ये बात ये है कि 4 डिस्क ब्रेक होने के बावजूद भी क्या ब्रेक इतनी सफिशिएंट है, सब बात करेंगे आज हम। भाई साहब आज पत्ते ना पूरे खुलने वाले हैं और हम दोस्तों ऑन पेपर की बात नहीं करेंगे, ऑन रोड की बात करेंगे कि किन की ब्रेकिंग, कोई लेना देना नहीं है कि पेपर पे क्या स्पेसिफिकेशन है, भैया किसने कितनी बड़ी डिस्क डाल रखी है। गाड़ी यार टंच करते रुकनी चाहिए जब हम चाहें ब्रेक लें। वाह यार क्या कंट्रोल में आई है, और अंदर बैठे हुए बंदों को फियर नहीं आना चाहिए कि ब्रेक लगी है, पता चला ऐसे झूल गए हैं सारे के सारे ब्रेक लगते ही खली बली हो गई है। तो स्मूथ ब्रेकिंग होनी चाहिए। बताते हैं आपको कि कौन सी गाड़ियां हैं जिनकी ब्रेक ठीक ठीक है और किन की टॉप नॉच है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें under 8 lakh तो देखो इस सेगमेंट में आपको ब्रेक्स किसी भी गाड़ी की एकदम टॉप नॉच नहीं मिलेगी। आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज मिलेगा बिकॉज इस सेगमेंट में क्या है, ये गाड़ियां आपको ड्राइविंग से ज्यादा आपको बाकी चीजें प्रोवाइड करती हैं। टाटा आपको सेफ्टी दे रहा है, मारुति आपको एवरेज बिल्ड क्वालिटी रिलायबिलिटी मारुति आपको जो है एवरेज दे रहा है, रिलायबिलिटी दे रहा है कि आप कहीं से भी उनकी गाड़ी ठीक करवा लो, खराब नहीं होगी, सस्ते में सर्विस हो जाएगी। तो ड्राइविंग आप इन गाड़ियों से इतना एक्सपेक्ट मत करो, लेकिन अगर आप फिर भी कंपैरिजन का पूछो तो जैसे अगर मैं टाटा पंच के सेगमेंट की बात करूं तो इस सेगमेंट में आती है टाटा पंच, मैग्नाइट, एक्स्टर आती है। सबसे अच्छी ब्रेक जो है आपको हुंडई की देखने को मिलेगी, एक्स्टर की ब्रेक्स काफी अच्छी है, मैग्नाइट की भी ब्रेक्स काफी अच्छी है, लेकिन यार वो थोड़ा झटका मारती है वो भी, लेकिन उसका क्या है उसका वो जो नीचे वाला इंजन है ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उसका जो अच्छा इंजन है वो टर्बो वाला है, वो महंगी चली जाती है। यार दोस्तों जैसे भाई ने बताया कि नीचे की सेगमेंट की ना ब्रेक्स ना ठीक ही आती है, लेकिन उसका भी तरीका है आप अगर मेंटेन रखोगे। मेंटेन कैसे रखोगे यार, हम कैसे रखेंगे? अब क्वेश्चन दक्ष लोगों का ये है कि मेंटेन कैसे करेंगे। भैया जब आप सर्विस कराने जाओ ना तो उनको बोलो कि भैया ब्रेक्स पे जरा रेगमाल मार ले,
साफ कर दे जरा, पीछे वाले की जरूरत नहीं होती, ड्रम वाली की, डिस्क वाली की जरूरत होती है। क्या भैया डिस्क पे भी जरा रेक बार लगा दे और ब्रेक्स पे भी लगा दे, क्लीन कर दे। टाटा पंच की ब्रेक्स पर्सनली मुझे तो नहीं इतनी अच्छी लगती यार। ब्रेक्स ठीक है लेकिन ऐसी नहीं है कि जरूरत पड़ने पे आपको ना वो कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी गाड़ी। बिल्कुल। दक्ष भाई अच्छी किसकी है ब्रेक्स? किसमें? सेगमेंट नीचे सेगमेंट में? नीचे के सेगमेंट में हुंडई की ब्रेक्स ठीक ठाक है और मारुति की ब्रेक्स ठीक ठाक है। टाटा की ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है जो इनकी नीचे सेगमेंट की गाड़ी है। जैसे कि भाई ने बोला कि हुंडई की गाड़ियों की ब्रेक्स बहुत सफिशियंट लगती हैं उस सेगमेंट की, अगर उस सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं, 10 लाख से नीचे की सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं। i20 की अच्छी लगती है, i10 की भी बढ़िया लगती है, एक्स्टर की भी बढ़िया लगती है ब्रेक जो है, लेकिन भैया गाड़ियां फिर भी अनसेफ है इनकी। अब ऊपर चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा। अब जिस सेगमेंट के बारे में हम बात करने वाले हैं, यहाँ से आपको प्रॉपर गाड़ी, जिसे हम कहते हैं गाड़ी प्रॉपर मिलनी शुरू हो जाती है, जिसमें आपको ड्राइव वगैरह सेफ्टी सब कुछ मिलता है। मिलता है। हम बात कर रहे हैं ब्रेजा की, नेक्सॉन की, 300 की। ये जो सेगमेंट है इसमें आपको लगभग सब कुछ ही मिलता है, सेफ भी है ये सारी गाड़ियां। इस सेगमेंट में जो सबसे अच्छी ब्रेक्स जो आपको देखने को मिलेंगी वो आपको XUV 300 की देखने को मिलेगी भैया, वो भी हाईवे पे सिटी के अंदर, वो भी थोड़ी सी डिले आती है उसकी, लेकिन हाईवे पे भैया जब आप मांगोगे गाड़ी चौक हो जाएगी उसी समय। आप टेस्टिंग देख लो जरा उस गाड़ी की। 1-2 ओ भाई, 1-2 क्या बात, ये है सेफ्टी, कंट्रोल में भी है गाड़ी, बेस्ट कार इन दिस सेगमेंट, इसको खिताब मिलता है। देखो क्या लाजवाब रुकती है, बट सिटी के अंदर यही ब्रेक्स थोड़ी सी, थोड़ा सा डिले आता है। अभी तो इसका फेसलिफ्ट आने वाला, लेट्स सी उसमें क्या नया मिलता है। अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा की ब्रेक्स भी काफी अच्छी हैं। सबसे जो मुझे एवरेज ब्रेक्स लगती है सेगमेंट में की, वो आपको टाटा नेक्सॉन की देखने को मिलेगी। जरक मारती है वो ऐसे ऐसे करके, जब ब्रेक लगाओ ना हाई स्पीड पे वो भी ले लेती है ब्रेक, लेकिन स्टेबल नहीं है वो थोड़ी झूलती है। ट्रैक्शन देखो गाड़ी के अंदर ना प्रॉपर भैया ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना बहुत जरूरी है, इन सेगमेंट्स में आना शुरू हो जाता है जो है ट्रैक्शन कंट्रोल जो है। नाम नोट कर लेना भाई, ट्रैक्शन कंट्रोल, वैसे तो अब स्टैंडर्ड ही करती जा रही हैं बहुत सारी कंपनी जो है, लेकिन ये नोट कर लेना ट्रैक्शन कंट्रोल होना गाड़ी में बहुत जरूरी है। ये तो ऐसे 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 करके रुकती है, बैलेंस बिगड़ जाता है गाड़ी का, तभी नेक्सॉन पलटती है बहुत ज्यादा। टाटा नेक्सॉन की ब्रेक्स इतनी अच्छी नहीं है, वो गाड़ी स्टेबल नहीं रुकती। आप ले सकते हो गाड़ी, लेकिन भैया थोड़ी सी उसको लिमिट में ही चलाना, ज्यादा ओवर स्पीडिंग के पर्पज से नहीं है। 210 की ग्राउंड क्लियरेंस है, पलटती बहुत जल्दी है। तो वही है कि अगर आपको हाईवे के लिए लेनी है तो XUV 300, सिटी प्लस हाईवे दोनों लेनी है तो ब्रेजा भी ले सकते हो, उसकी ब्रेक्स भी ठीक ठाक है, नेक्सॉन से अच्छी है। अब बात करते हैं दोस्तों मिड साइज SUVs की। ओहो, सबसे गर्म सेगमेंट जिसमें क्रेटा ने ताजा ही तड़का लगाया अभी उसके अंदर पूरा उन्होंने मसाले डाल के। तो अब हम बात करते हैं ब्रेक्स की, किसकी ज्यादा अच्छी ब्रेक्स हैं। तो भैया इस सेगमेंट में सबसे बढ़िया ब्रेक्स हैं टाइगुन और कुशाक की, और MG एस्टर की। MG एस्टर की भी अच्छी है, 4 डिस्क जो है आपको MG एस्टर प्रोवाइड करता है। फॉक्सवैगन और स्कोडा जो है ये आगे डिस्क और पीछे ड्रम प्रोवाइड करता है, लेकिन भैया सबसे सफिशिएंटली और सबसे क्विक ब्रेक जो है ना वो टाइगुन कुशाक की लगती है। हालांकि क्रेटा सेल्टोस में 4 डिस्क ब्रेक आती हैं, लेकिन वो इतनी स्टेबल नहीं रुकती, इतनी अच्छी बाइट उनकी नहीं है। जितनी आपको MG एस्टर, कुशाक, टाइगुन इन गाड़ियों को देखने को मिलेगी। अगर मैं टाइगुन और एस्टर में से बात करूं तो जो हमने नोटिस करा कि एस्टर की ब्रेक बाइट ज्यादा क्विक है, लेकिन वो इतनी स्टेबल नहीं रुकती जितनी टाइगुन कुशाक रुकती है। ये होते है भाई साहब मस्त। अभी जैसे रोड पे मैंने ब्रेक मारे ना, आप देख रहे होंगे बहुत सारी मिट्टी के पड़े हुए ना, ऐसे पे अगर ये कोरियन हो ना, वो ब्रेक आपकी लगेंगी ही नहीं इस रोड पे, जो उसका ABS इतना घटिया है हुंडई वगैरह का, मैं तो बहुत रोता रहता हूँ इस चीज को लेकर। एलिवेट की ब्रेक्स भी काफी अच्छी, एलिवेट की भी लाजवाब लगती है, पूरी टेस्ट करके देखिए। हर दो डिस्क है, जरूरी नहीं है कि 4 डिस्क होगी तभी रुकेगी ब्रेक। भैया मेन तो आगे वाली ब्रेक्स होती है जो है, और राइट साइड वाली जो ब्रेक ड्राइवर साइड होती है सबसे ज्यादा जोर उस पे होता है, एंड काफी ज्यादा स्टेबल है होंडा की ये गाड़ी। होंडा की मतलब गाड़ी आपको फियर नहीं आएगा 220 की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ, अनएक्सपेक्टेड चीज है दोस्तों, ये मानना मुश्किल है भाई, हमारे लिए सल्यूट है इस चीज पे होंडा को। बहुत एक्सीलेंट बनावट, बहुत अच्छी इंजीनियरिंग है होंडा की उस गाड़ी में। क्रेटा सेल्टोस की भी ठीक ठाक है ब्रेक्स जो है,
अच्छी लगती हैं ब्रेक्स, लेकिन इतनी क्विक नहीं है जितनी इन गाड़ियों की हमने आपको बताई है। और हाई स्पीड पे इनकी ब्रेक्स इतनी स्टेबल भी नहीं, नहीं है। मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपको लगेगा कि गाड़ी अब थोड़ी हिल रही है। भैया आप ना एक बारी खुद से टेस्ट करके भी देख लेना टेस्ट ड्राइव के अंदर, आपको पता चल जाएगा। उसे कहो भैया मुझे ना ब्रेक टेस्ट करनी है गाड़ी की, तो वो आपको खुद ही ऐसे एरिया में ले जाएगा कि जहां ब्रेक टेस्ट कर सकते हो। यार ब्रेक हमें कहीं पे भी लगानी पड़ जाती है, ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि किसी सिचुएशन में जाके लगाएंगे। हाईवे पे, सिटी में कभी भी ब्रेकिंग की जरूरत पड़ती है। और गाड़ी, और यार भैया हाथ जोड़ के विनती है, अगर आपको जरा सा भी डाउट हो रहा है ना कि ब्रेक कम लग रही है, तो ब्रेक पैड साफ करवा लेना या चेंज करवा लेना इधर का और उधर, उधर के इधर करवा लेना। और अगर आप देख लेना 50% से अगर कम हो चुके हैं तो भैया बाय बाय टाटा कर देना। ये सबसे जरूरी चीज है, वियर एंड टियर बहुत जल्दी होती है। और अगर आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो भैया डिस्क भी खराब हो जाएगी साथ में, कभी भी कहीं पे भी फंसा सकते हैं ब्रेक। कैसे भैया ब्रेक लगाई और लगी ना तो फिर आप सोच लो कि फिर कहां जाके ब्रेक लगेगी। तो ग्रैंड विटारा और हाई राइडर की भी ब्रेक्स ठीक ठाक है दोस्तों। ग्रैंड विटारा, हाई राइडर काफी स्टेबल गाड़ियां हैं। अच्छी गाड़ियां हैं, बाकी ब्रेक्स आर ओके ओके हैं, शिकायत नहीं आएगी। ठीक है, ब्रेक्स जो है मतलब डरा नहीं रही है ब्रेक्स, और ऑल फोर डिस्क ब्रेक्स हैं इसके अंदर, तो कहीं उसका बेनिफिट तो है ही है। लेकिन जो सेगमेंट की सबसे बड़ी है वो हमने बताया एस्टर टाइगुन कुशाक इसकी सबसे बड़ी है। एलिवेट को भी आप काउंट कर सकते हो, लेकिन पहली तीन चॉइस जो है वो ये गाड़ियां रहेंगी। एलिवेट भी आ जाती है इसके बीच में जो है। अब आ जाते हैं दोस्तों सेडान सेगमेंट में, स्लाविया, वर्टस, सिटी, सियाज, ये गाड़ियां वरना भी आती है। तो इसमें भी दक्ष सबसे बढ़िया वर्टस और स्लाविया की ब्रेकिंग है जो दो डिस्क। यार ये सब ना पूरी टेस्टिंग करने के बाद बोली गई है, ये बता रहे हैं हम आपको चीजें जो है कि भैया गाड़ी ना जाम हो जाती है। क्या इस लेवल की इंजीनियरिंग कर रखी है, बहुत एक्सेलेंट। मतलब क्या प्यारी गाड़ियां रुकती हैं जो इनका। अच्छा, जैसे इन गाड़ियों में दो डिस्क ब्रेक आती हैं, तो दोस्तों इनकी जो दो डिस्क ब्रेक है एंड बाकी कंपनी में जैसे वरना में चार आती है, इनकी डिस्क का साइज थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू वो गाड़ियां तो चार डिस्क ब्रेक दे रही है उनसे थोड़ा बड़ा साइज है डिस्क का, वहां पे भी फर्क पड़ता है। तो इन गाड़ियों की बहुत अच्छी है। सिटी को आप तीसरे नंबर पर रख सकते हो, सिटी की भी अच्छी है ब्रेक। चौथे नंबर पे आप वरना को रख सकते हो, वरना इतनी स्टेबल नहीं रुकती। हाँ एक्चुअली झूलती है वो ऐसा लगता है कि 70-80 के ऊपर जा रहे हो ना, तो ऐसा लगता है गाड़ी अब डामाडोल हो रही है। यार कहने का मतलब है कि जब आप हाईवे पे हो, आपने पंजा नाप रखा हो, 100-120 ट्रिपल डिजिट स्पीड पे चल रहे हो, तो आपके दिल में ना कहीं टेंशन नहीं होनी चाहिए दिमाग के अंदर कि भैया मैं ब्रेक लूंगा गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी। पहले अपनी गाड़ी को अच्छे से जान लो, पहचान लो, यारी दोस्ती कर लो, उसके बाद आप हर जगह ले जा सकते हो गाड़ी को। भैया ब्रेक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। भैया अगर आपको समझ आ रहा है ये टॉपिक तो अपने यारों दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, ये इन्फॉर्मेशन जो है हर जगह पहुंचनी चाहिए। अब अगर हम चलें ऊपर के सेगमेंट में दोस्तों, एक पहले मैं आपको बात बता दूं कि ये हम जितनी भी गाड़ियां आपको बता रहे हैं ये हम सारी वो गाड़ियां बता रहे हैं जो जिनका एक दूसरे से कॉम्पिटिशन है। बिल्कुल, जैसे ब्रेजा, एक्सयूवी, नेक्सॉन, इनका आपस में कॉम्पिटिशन है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम इस गाड़ी को वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन तीनों का आपस में कॉम्पिटिशन है। स्लाविया, वर्टस, वरना, क्रेटा, सेल्टोस, ये जितनी भी है, एक उसकी गाड़ियां है, सारी कंपटीशन की है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर एसयूवी सेगमेंट की, जिसमें आ जाती है 700, स्कॉर्पियो एन, हेक्टर, हैरियर, सफारी, ये सारी गाड़ियां आ जाती है सेगमेंट में। क्या लगता है आपको किसकी? भैया मुझे तो सबसे बढ़िया ब्रेक्स जो है ना हेक्टर की लगी है इसके अंदर। जितनी भी ये गाड़ियां लाजवाब ब्रेकिंग है हेक्टर की। 108 की स्पीड पे भाई साहब कैसी लगी स्टेबिलिटी, लाजवाब, जरा सा भी झूली नहीं गाड़ी, ट्रैक्शन परफेक्टली काम की है, बहुत ही। तुझे कौन सी सबसे बढ़िया लगी है? हेक्टर और हैरियर की भी काफी अच्छी हैं। हेक्टर, हैरियर, एक्सयूवी गाड़ियां, इन सब में ही चार डिस्क आती हैं ऊपर के वेरिएंट्स में। नीचे के वेरिएंट में तो हैरियर सफारी भी दो डिस्क ब्रेक देता है, लेकिन गाड़ी रुकती हैं बहुत फर्स्ट क्लास। एक्सयूवी की भी बहुत अच्छी है ब्रेकिंग। मुझे तो एमजी की ब्रेक्स वन ऑफ द बेस्ट लगी हैं, चाहे आप इनकी किसी भी सेगमेंट की गाड़ी उठाओ। अब यार रेस्टर ले लो इनकी, हेक्टर ले लो, अरे अब ग्लॉस्टर ले लो, कॉमेट की ब्रेक भी अच्छी है, ग्लॉस्टर की ब्रेक्स देखो, ZS EV की ब्रेक भाई साहब चौक हो जाती है। मैंने इतनी जबरदस्त ब्रेक्स नहीं देखी किसी गाड़ी की जो ZS EV की थी। दोस्तों ये बात माननी पड़ेगी कि ब्रेकिंग के मामले में ना बिल्कुल फॉक्सवैगन स्कोडा को टक्कर देता है। ब्रेकिंग्स,
बहुत एसेट की ब्रेक बाइट एमजी की गाड़ियों की बहुत ही एक्सेलेंट है। सबसे बड़ी बात है जरा सा भी आपको डर नहीं लगेगा इनको लगाते हुए, जरा सा भी घबराहट नहीं महसूस होगी। स्कोडा बीडब्ल्यू फिर थोड़ा झटका दे देती है, एमजी की गाड़ियां आपको बिल्कुल जरक नहीं देंगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर नाप सकते हो आप इसकी ब्रेक्स जो है। कंपास की भी तो बहुत बढ़िया है। अबे मेरे को तो अंदर लो। जीप कंपास की ब्रेक्स भी लाजवाब हैं। लेकिन कंपास को सेगमेंट में चली जाती है। कंपास को मैं सेगमेंट में काउंट इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज एक तो वो बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है, बेसिकली वो प्रॉपर एसयूवी में हम उसे काउंट नहीं करेंगे। हालांकि वो है लेकिन उसका साइज थोड़ा छोटा है, हम बड़ी एसयूवी लोगों की कंसीडरेशन में है भी नहीं यार वो गाड़ी, वो काफी महंगी 25-26 लाख से तो शुरू होती है। आपको बता दिया कि कौन कौन सी गाड़ी के अंदर किस तरह की ब्रेकिंग्स हैं और किसका क्या जलवा है। दोस्तों यही थी आज की वीडियो ब्रेक्स के ऊपर। अगर अभी भी आपको कोई मन में सवाल है, कोई शंका है, तो भाई साहब ये हमारा नीचे व्हाट्सएप नंबर बना आ रहा है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करिए, हमसे पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, क्या कहाँ पे आप फंसे हुए हैं, तो हमारे साथ फोन पे बात कर सकते हैं, कॉल लाइन पे जुड़ सकते हैं, कॉल बुक करा सकते हैं। एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते हैं। और ये सर्विस जो है ना मैसेज वाली, ये सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को, टंच टंच वीडियो आते रहेंगे। भाइयों के लाख सब्सक्राइबर करवाओ यार। लव यू ऑल।